ये देखे ये कर रहे हैं एक्सरसाइज। कौन सी एक्सरसाइज है ये? अच्छा, फैट कम करने की। ये डेली एक्सरसाइज करते हैं। फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर मिसेज उपाध्याय ब्लॉग्स पर। तो शुरू करते हैं आज एक नया ब्लॉग। तो सुबह हो चुकी है और ये देखिए ये एक्सरसाइज कर रहे हैं यहाँ पर लेटकर, और मैं बैठी हूँ और काम है जो सब ख़त्म कर लिया है, बस नीचे का रह रहा है। अभी मैं सुन रही थी, भजन चला रखे थे मैंने, हनुमान चालीसा वगैरह चला रखी थी मैंने। तो फ्रेंड मेरी जो एक्सरसाइज है वो पूरी हो चुकी है। तो ये एक्सरसाइज करते करते मेरे को डिस्टर्ब करती है बहुत, कभी मेरे को मतलब उंगली चीरती है, कभी कुछ करते मेरे को हंसी आती है बार बार। पेट की एक्सरसाइज तो बिल्कुल भी नहीं करने देती, कहती हाँ कभी पतले होंगे मुझे भी करो। अब खुद करती नहीं है, खुद करती नहीं है और मेरे को भी नहीं करने देती। डेली क्या करती हूँ मैं? थोड़ी सी करती है ना बस, करती तो हूँ ना। ये कैसे करती है ये करवा लो। अरे और साइड वाली ऐसे ये वाली करती है, जिम में सीखी है मैंने। ये वाली करती है, कल पतंग उड़ा देती प्रियम, तो सिखा था प्रियम को पतंग उड़ाना, तो बोली थी कि मेरे को आप कल कल सिखाना। हाँ मैंने कल उड़ाई, इतनी सी उड़ाई, वो भी नीचे गिर दी थी, आज उड़ाऊंगी। तो प्रियम को आज पतंग उड़वाऊंगा मैं। ये पिछले से पिछले लोग जो पिछले साल लोग डाउन लगा था, मैं तब लाया था ये मंजा, तब से ऐसे ही रखा है, मतलब शादी से पहले। ये मेरी पतंग मैं यहाँ पे रखता हूँ विधान से छुपा के, विधान है ना बस। पतंग पतंग का बहुत ज्यादा शौक है, इनके जैसे वो शौक हो गया। चाचा को शौक है इसके, मेरे जैसा पॉइंट टू भी नोटेड। पतंग उड़ाने में पतंग उसके हाथ में देते, उसकी पूंछ पकड़ते हैं पटकी, फिर प्रॉपर वाली जो आंटी को वहाँ फेंक देते हैं। आंटी जी बेचारे बहुत परेशान होती है, ऐसा करती है सारी चीज़ यहाँ पर फेंकते हैं, फिर सब पकड़ती है, फिर डस्टबिन नीचे वह कूड़ा अपने घर का यहाँ पे डाल। फिर हमको आज जो दिन है आज डेम का कपड़े धोने के लिए निकाल निकाल के ला रही है, धोने का नहीं कपड़े तय कर लिए, ऐसे करने का कल को धोने ऐसे लाइन उठा के मैं कभी धो रही हो वो ऐसे लगा मगर निकाल के ला रही हो, मैं कभी इसको धो रही हो। मेरे को पता नहीं ना, मेरे कपड़े इतने सारे नहीं होते, मेरे को पता नहीं ना, मैंने सोचा कभी आप धो रहे हो इसलिए मैं चलो धो ही दियोगे। तो तुमने बताया तो थोड़े से ही है, तुमने बताया कि मैं धो नहीं रही हूँ, मैं तो तय कर लू, तो अच्छी बात है तय कर लो। वैसे तय हो रही थी इनकी, देख सकते हो आप, देखिए तय हो रही थी। तो वो तो वो है कि ये बोलो ना आप कि आप अलमारी साफ कर देंगे, चलो ठीक है अलमारी को साफ करने की बात है, दिखाते हैं फिर हमकी अलमारी, इसने अपने अलमारी का ख्याल किया हुआ है, सामने खड़ी हो गई है, अच्छी नहीं हो रही हमारी अलमारी, कोई बात नहीं। ये देखिए ये केवल प्रियम प्रियम का है कपड़े रखने का, यहाँ तक भरा रहता है, यहाँ तक भरा नीचे का भी है, एक और नीचे का भी ना, उसके कपड़े बहुत बेकार हो रहे हैं। तो मैंने अपने की यहाँ पे टांग रखी है बाइक, ये हमारी शादी का कार्ड, ये है कार्ड प्रियम मनीष दिन 25 नवंबर, ये प्रियम ये मैं ये तो ये देखिए कितना बुरा हाल किया हुआ है, हालत खराब हो रही हद है, मैं कर तो रही ठीक है, हद है मैं ठीक कर तो रही हूँ। तो मेरे वाले का भी नहीं है, दिखाऊं मैं अपने वाले, दिखाऊंगा आपको मेरे वाले का भी तो है, इनके वाले में मैं जल्दी जल्दी करती रहती हूँ, और मेरे वाले क्या है साड़ी है, और साड़ी में मतलब अगर एक चीज निकल लेना दूसरी चीज निकल करती है, मैं समझ गई होगी लेडीज लोग समझ गई होगी, लेडीज लोग नहीं होते, लेडीज होती है दिमाग पड़ा ना, तो रूम में इतनी सारी साड़ी है, सही नहीं कि नहीं साड़ी बाहर है, देखिए ये सारी के सारी साड़ी है यहाँ पर, और जो करती है फिर हम साड़ी भी करती है, लेकिन जो फिलहाल गर्मी है तो ऊपर चढ़ने उतरने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है साड़ी में, इस वजह से तो गर्मी में इतनी नहीं पहन पाती, लेकिन फिर हम दूसरे तीसरे दिन तो मैं गिरने से बच गई, दूसरे तीसरे दिन फिर हम जो है पहन लेती है साड़ी अच्छे से, दूसरे तीसरे दिन वैसे तो सूट वेयर करती है तो सही है। मैं आपको दिखाता हूँ मेरी अलमारी, ये तो आपने मेरी अलमारी भी ऐसी कर रखी है, ये तो देखो ये देखो नहीं कर रखी, नहीं ये वाली छोड़ के ना, ये देखो ये प्रेस के कपड़े रख रखे, ये देखो ये आपके करे काम, ये अच्छे से, ये तो मेरा पोपट बना दिया इसने, मेरे सोचा मेरी अलमारी अच्छे से लग रही होगी, लेकिन इसने मेरी पैंट के एक मतलब जो क्या बोलते हैं नीचे की लोअर साइड की जो होती है, मतलब पूरी पैंट ही ऐसे मोड़ के ऐसे गिर रखी थी, इसमें ऐसी मेरी नहीं है, वैसे अगर मैं बता दूं आपको एक बार बताऊं, मैं तो कपड़े इतने अच्छे लगाती हूँ, ये कपड़े निकल लेंगे तो उसे निकालती नहीं पहनने का, मैं ये नहीं पहनी, मेरी गलती इसमें है, मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने सोचा मेरी अलमारी बहुत अच्छे से लग रही है, देखा था इसकी पैंट ऐसे ऐसे झूल रही है,
ऐसे ऐसे काम करती है प्रियम, कैसे कैसे काम करते हो आप? मतलब मेरी अलमारी कभी तुमने अपनी जैसी बना दी, उठा दी थी अपने जैसी तुमने अलमारी को भी, उस अलमारी अपनी अपने वाली साइड को समझा दो, ठीक है? तमीज में रहेगी वो। हाँ मेरी वाली अलमारी को बिगाड़ दे उसने। तो ये साड़ी दिखा देती हूँ, देखिए कुछ पहचान पहचान मारी होगी आपकी साड़ी। देखिए साड़ी अगर आपको पहचान मारे तो किसने पहनी थी, कमेंट करके बताइएगा। अगर आपने हमारी शादी का व्लॉग देखा होगा तो, मतलब गौरव का जो गौरव का व्लॉग है शादी की सारी वीडियो है, तो उसमें आप देख के बता सकते साड़ी कितने पहनी थी और जो बाद में प्रियम को दे दी है। और मैं आपको बता रही साड़ी ना मैंने खुद नहीं रेडी की थी, ये प्रियम ने खुद बनाई थी साड़ी। देखिए मैंने ब्लैक कपड़ा लेके और यहाँ पर ब्लैक कलर की लेस लगा दी थी, तो जिसका जो मैंने पल्ला बनाया था पल्ला बहुत सारे से ये देखिए ये नेट का पल्ला है। तो आपने खुद बनाई थी ये? हाँ जी। मैं का मोल भी लगाई थी, काम तो बढ़िया लग रहा है आपने। ये तो मुझे नहीं समझ को कुछ सकता नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है समझ देखिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम था क्या है लड़कियों में, मैं ना अपने ही अपना मतलब लेडीज की चीज सीलनी सीखते हैं, जैसे भी तो है उसको सीखो ना आप, ये भी तो बोल लेंगे कि आप सीख तो शर्ट पैंट वगैरह सीखना सीखो। ये बदतमीज होगी, ये बदतमीज होगी है। और पैंट शर्ट भी है तो नेकर तो है, पैंट शर्ट सीलनी सीखो ना, जेंटलमैन बना ली वहाँ पे जाते हैं कई सारे पैसे दिखाते हैं पैंट सीलने के। साड़ी आपको कैसे लगी जरूर बताइएगा कमेंट करके, और किसने पहनी थी शादी में, ठीक है? मैं बांध के देखूंगी पर मैंने इसलिए नहीं बांध की क्योंकि ना ये नेट की है यहाँ से, और फिर दूसरी बात प्रॉब्लम दूसरी ये है इसमें, क्योंकि देखिए जो ये वाला पल्ला है ना ये तो ऐसे नीचे आ जाता है यूं करके, और जो हम सर पे ऐसे पल्ला रखते हैं ना ये ऐसे करके यूं, तो यहाँ से ना खली रह जाता है ये, और जब अगर आना चाहिए ना अगर मुझे सेम ऐसी नेट कहीं और से मिल गई ना ले लूंगी, इसे ना मतलब ऐसे यहाँ से नेट ऐसे जुड़ जाए अब, ठीक है ना ऐसे जुड़ जाए, तो सोच रही कुछ इस तरीके का ही कुछ कर लूं। सही बोल रहे हो आप, मैं सही बोलती हूँ, बुरा लगता है वैसे ना। कुछ लोग ये बोलते हैं कि आपकी लैंग्वेज थोड़ी अजीब है, आपको बताओ हमारे नगर की लैंग्वेज ना अलग तो नहीं कह सकते, पर जैसे आप जहाँ पर रहते हैं उनकी लैंग्वेज ऐसी हो जाती है, जैसी है हमारी। आप हरियाणा में रहेंगे तो वहाँ की लैंग्वेज हो जाएगी, दिल्ली की लैंग्वेज अलग है, और जी बड़ो साइड की अलग है, सहारनपुर की अलग है, और शामली की अलग है, और मुजफ्फरनगर की तो अलग है। तो मुजफ्फरनगर में रहते हैं खास, तो इसलिए जो हमारी लैंग्वेज है वो ऐसी है। आप बोलते हैं आप ऐसे बोलते हो, आप क्या बोलते हो उसे, मतलब कुछ जो वर्ड होते हैं हमारे यहाँ के तो आप बोलते हैं ये नहीं होता, वो वर्ड अलग होता है, इस तरह से बोलना चाहिए। तो और हमारा मुजफ्फरनगर तो पास नहीं है, शामली जो है, तो मेरे तो लैंग्वेज फिर भी ऐसी होगी। तो इसलिए बात ये है कि अगर हम थोड़ा अलग तरीके से बोलेंगे तो ज्यादातर कमेंट होता कहते हैं आप तो जरूर इतरा के बोलते हो, बोलते हो और क्या नाम ओवर एक्टिंग करते हो, तो जब हम जैसे है ना वैसे दिखाते हैं, बोलते हैं ऐसे ही बोलते हैं, बोलते ओवर एक्टिंग है, ओवर एक्टिंग नहीं करते भाई। तो आपकी जो लैंग्वेज है आप अपने हिसाब से सोचते हो कि ऐसे बोल रहे होंगे, लेकिन आप कभी मुझे मुजफ्फरनगर आइए और सुन के देखिए किसी की भी लैंग्वेज, तो आपको ऐसी भी से बोलते हैं। हम तो मतलब थोड़ा है जो ठीक बोल भी रहे हैं, वरना जो तो क्या कर रहा है यू कर रहा है, ऐसी लैंग्वेज है, ठीक है ना। अगर आप किसी को बोलोगे कि यू है मतलब, तो आप बोलोगे आपको धमका रहा है वो, और सबकी अपनी मातृभाषा अलग अलग होती है, मातृभाषा जैसे हमारी हिंदी है, तो मतलब जो लैंग्वेज है सबकी अलग अलग स्टेट की अलग है। तो प्लीज कमेंट करके ऐसा मत भूल, तो आप जो एक्टिंग कर रहे हो ये आपकी लैंग्वेज ऐसी है, तो हमारी लैंग्वेज ऐसी ही है भाई, और हम रियल है, देख नहीं है, ठीक है। तो फिर जब हम जहाँ लगी पड़ी है अपने काम में, और जो टाइम क्या हो गया भुट्टा लग गया, भुट्टा बोलोगे खा लो मुझे, रात भुट्टा लाया था, ये विधान था उसको देखे विधान में कैसे खाता है, ये विधान नहीं खा रखा है, मैंने सोचा आपने खाया है ये विधान नहीं मारता सब उड़ गया ऐसे इस कदर रखा हुआ है। और जल्दी से हम क्वेश्चन आंसर क्या है जो ब्लॉग लेके आएंगे, और आपको जो क्वेश्चन पूछने हैं आप कमेंट बॉक्स में चाहिए, कुछ क्वेश्चन हमने नोट करके भी रख लिए है, अब जल्दी से आएगा क्वेश्चन आंसर का ब्लॉग। ओके तो आप अपने क्वेश्चन जल्दी से कमेंट बॉक्स कीजिएगा, और आपके लिए हम क्वेश्चन के आंसर जरूर लाएंगे, और उस क्वेश्चन के आंसर फिर हम देगी, हम दोनों मिलके देंगे। अच्छा
तो जो आपके कमेंट में जो भी क्वेश्चन आता है, दूसरे लोग सोचते हैं कि हमारे कमेंट नहीं पढ़ते, हम सब लोगों के कमेंट पढ़ते हैं और सबका रिप्लाई करते हैं। जो नेक्स्ट डे हो जाता है तो इसलिए थोड़ा बहुत नेक्स्ट दिन जो होता है उसमें ब्लॉग लगाना चाहिए। भूल गए फिर से, वो फिर से ना झिक झिक की आवाज आएगी। कोई बात नहीं, गैप लगाना भूल गए, कोई बात नहीं। तो जो है कुछ लोग बोलते हैं कि हमारा कमेंट का रिप्लाई नहीं करते, सबका रिप्लाई करते हैं हम। जिस तरह आपने हमने आज लोग डाला कि रात मतलब 11-12 बजे तक आप लोग हम रिप्लाई करते हैं, सुबह के टाइम भी, मॉर्निंग में जितना भी टाइम मिलता है आपके कमेंट का रिप्लाई करते हैं। तो कुछ लोगों के रिप्लाई नहीं कर पाते क्योंकि जो नेक्स्ट दिन होता है हमको ब्लॉग बनाना होता है और उसमें बिजी रहते हैं, इस वजह से हम थोड़ा रिप्लाई नहीं कर पाते, तो सॉरी उसके लिए। लेकिन कमेंट हम सबके पढ़ते हैं क्योंकि नोटिफिकेशन ऊपर आ जाती है कमेंट के लिए। थैंक यू बहुत सारा, आप हमको कमेंट करते हैं और हमारे ब्लॉग देखते हैं, तो दिल से धन्यवाद आप लोगों के लिए। सब लोग इतना मतलब सपोर्ट कर रहे हैं, हमें इतना प्यार दे रहे हैं, आपका सपोर्ट ही जरूरी है हमारे लिए। आप आते हैं कॉल वगैरह, ये मत सोचिएगा बिल्कुल भी कि हम आपका ब्लॉग मतलब सॉरी कमेंट नहीं पढ़ रहे हैं तो आपको इग्नोर कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम सबके कमेंट पढ़ते हैं और इग्नोर किसी को नहीं करते, ठीक है। तो प्लीज तो प्लीज आप ये मत सोचिएगा कि हमको मतलब रिप्लाई नहीं करते आप बड़े यूट्यूबर, ये ऐसा कुछ नहीं है। आप सब लोग आशीर्वाद मतलब जो आप लोगों के जितने भी सपोर्ट है ना उसी लिए हम आपके लिए वीडियो बनाते हैं, और आप लोगों के कमेंट का रिप्लाई करना हमारे लिए जरूरी है क्योंकि जब हमारे लिए आप टाइम निकालते तो हमको भी आपके लिए थोड़ा सा टाइम निकालना होता है। तो दोस्तों बुरा मत मानिएगा कि आपके कमेंट का रिप्लाई नहीं किया है, आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जो भी क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में करिएगा अपने क्वेश्चन और हम आपके क्वेश्चन का आंसर जरूर देंगे आपको। कि तुम मेरे क्या हो रे जिंदगी का, तुम आसरा हो खाब तेरे तस्वीर जैसे हो दीवार पे, तुझ पे फिदा। बने रहिए हमारे ब्लॉग के साथ, जाने से पहले हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगा। तो बाय बाय दोस्तों।